ये एक मेल आई हुई है टैक्स के हवाले से कि टैक्स लग गया है। अब चलें टैक्स लग गया, उनको कोई रोक तो नहीं सकता, सारे इसी काम पे लगे हुए हैं, बस टैक्स लगाओ, जिसको देखो उसको टैक्स लगाना शुरू कर दो, लो अच्छा तरीका है। तो ये भी एक तरह की गुंडागर्दी हुई है। बहरहाल अब सवाल ये है कि जो जो फॉर्म है वो फिल कैसे करें, कहाँ से फिल करें, इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो तब भी लगेगा, देंगे तो शायद इतना हास ना लगे, कम लगेगा। ये आपके पास ये ऑप्शन, अब ये देखें गूगल एडसन में आप लोग आए, ये मनहूसियत आ गई है, इतनी ढूंढनी नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ जाएं वहाँ जाएं वहाँ से मिलेगी, नहीं, जो इतने भी क्रिएटर हैं जितने भी पार्टनर हैं उनको ये मनहूस खबर जो है ना वो पहले मिल जाएगी, यहाँ आप आ जाए मैनेज टैक्स इन्फो, ये लोड हो गई, थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ आते हैं जी टैक्स इन्फो, नेक्स्ट करते हैं, पासवर्ड दिखाना तो दिखा दे, कोई भी हैक कर लेगा, मजाक कर रही हूँ, कतन इस तरह की हरकत नहीं करनी। यूट्यूब वाला तो कोई 24% लूटेंगे ना, जिसने हाइक करना उसने सारा लूट लेना। इंडिविजुअल ये देखें, इंडिविजुअल है इंडिविजुअल, ये तो कॉमन सेंस है, मुझे समझ आ गई थी कि ये इंडिविजुअल ही है। अब इसको नेक्स्ट करेंगे, मैं इंडिविजुअल हूँ, आप सिटीजन हैं, उन्होंने ये पूछा हुआ है यूएस के, तो हम सिटीजन नहीं है, हम पाकिस्तान में रहते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट आ गए, अब यहाँ अच्छा मैं कहा अच्छा ये भी एक ड्रम है, अब ये नहीं समझ आ रही, ये वाला सिलेक्ट करें ये वाला सिलेक्ट करें, कॉमन सेंस थोड़ा, एक तो मैंने वीडियो भी देखी है, कॉमन सेंस इतनी भी नहीं काम करती, तो वीडियो मैंने देखी, ये देखें ये वाला सिलेक्ट करें, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल, ये बिजनेस के लिए है ठीक है, इसलिए हम इसको ये वाला फॉर्म सिलेक्ट करके ये वाला फॉर्म हम इनसे दे लेंगे, ये लोड होने में टाइम लगेगा चाहे आपकी 100 MB स्पीड ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे मेरा नाम है RD, जो प्रोफाइल है वो हो गई, यहाँ पे क्या लिखना है मुझे घंटा कोई पता नहीं है। कंट्री ऑफ सिटीजन, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि हम पाकिस्तान, इतना मुझे यहाँ पाकिस्तान इसलिए बनाई ताकि आप लोग कमेंट्स में बताओ कि क्या करना है, वीडियोस बनाएंगे एक दूसरे को बताएंगे, और कोई सियाना बंदा कोई वीडियो बना ही देगा सोल्ड पूरे प्रूफ के साथ और समझा देगा कि ये वाला सिलेक्ट करें ताकि आपको टैक्स ना पड़े, लेकिन फिल फॉर्म मेरे पास यही है, तो यहाँ मुझे नहीं पता क्या लिखना है, यहाँ मुझे पता है मैंने अपनी कंट्री लिखनी है। अब ये फॉरन TEIN क्या है, जो मैंने एक दो वीडियोस देखी हैं मुझे मुझे समझ आई है, और यहाँ भी लिखा हुआ है कि अगर कोई ट्रीटी है पाकिस्तान और इंडिया के, पाकिस्तान इंडिया अगर कोई ट्रीटी है पाकिस्तान और यूएस के दरमियान, तो तब हम यहाँ मुझे इतना पता है कि अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखेंगे ठीक है। अब हम फिलहाल मैं लिख नहीं रही, इसको हम बगैर कुछ लिखे भी नेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आगे देखते हैं, यहाँ एड्रेस वगैरह आएगा, ये सीधी सी पांच छह चीज़ें हैं, ये आपने यहाँ से सेलेक्ट करके हाइड हूड कर देना है, कुछ कुछ ज़रूरत नहीं अपना एड्रेस दिखाने की, ये मैं ब्लर कर दूंगी। चलें यहाँ से हम जल्दी जंप कर जाते हैं इधर। अब मेन मसला देखिए, वो जो शुरू में मैंने बातें बताई थी, जितने भी क्रिएटर हैं यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो सबको पता है, बड़ी जल्दी पिक करते हैं, वो जल्दी जल्दी पिक कर जाते हैं कि क्या चीज़। अब यहाँ मसला है कि टैक्स ड्यूटी, टैक्स ट्रीटी मतलब टैक्स का कोई मुहदा पाकिस्तान और यूएस के दरमियान है कि नहीं है, ये ले अग, क्यों, और एक कॉमन सेंस की बात ये भी है, अगर हम नो करेंगे ना, नो करके चलो जी फटाफट सबमिट कर दो, ऐसे नहीं करना, आप इसी पे सारा फोकस है कि हमें कितना टैक्स लगेगा। अब मैंने इसको यस किया क्योंकि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान मुहदा है, अब हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, कंट्री पाकिस्तान की सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान। अब यहाँ जब हम यहाँ देखें पाकिस्तान का हो गया, तो इसमें मुझे एक चीज़ समझ आई है जो अभी तक मैं खपी हूँ उसका लिहाज से, कि ये तो निश्चित है, ये मोशन पिक्चर्स टीवी अगर हम इसको करेंगे तो कोई ट्रिटी नहीं है, ये देखें कोई ट्रिटी नहीं है, और टैक्स वही है 30% डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट रेट है 30%, इसको ये तो निश्चित है, इसको तो आप छोड़ दें, ये हो सकता है इसमें। अब ये वाला ऑटोमेटिक एक ही ऑप्शन है, Article 3 Paragraph 2, यहाँ जहाँ डिफॉल्ट 30 था उसमें हमें एक ऑप्शन 0% की मिल गई है, और मुझे जहाँ तक मेरी कॉमन सेंस यूज़ कर रही है, मैं कोई इतना हाई फाई एक्सपर्ट हो नहीं हूँ, तो शायद रिडक्शन नहीं होगी, जो रेट है रिडक्शन रेट है वो 0% होगा Article 3 और Paragraph 2 के मुताबिक। अब यहाँ आके हम इसको भी अगर सेलेक्ट करते हैं, ये भी मुझे वीडियोज बनाते हुए, ये मैं रीटेक वीडियो बना रही हूँ तो इसमें मुझे समझ आई है कि हम ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, Article 3 का भी हवाला दे सकते हैं, Article 8 का भी हवाला दे सकते हैं, Paragraph 1 और ये Paragraph 2, और इसमें भी हमें ये आएगा कि शायद कोई भी टैक्स ना देना पड़े, या आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि क्या मैं सही समझ रही हूँ या क्या है ये बात है, इसको भी हम चेक करके नेक्स्ट करेंगे। लेकिन यहाँ जब तक आप शनाख्ती कार्ड का नंबर नहीं देंगे नेक्स्ट नहीं होगा, आगे बहुत आसान है,
एक दफ़ा आपने अपना रिव्यू करना है, यहाँ भी आपने नेक्स्ट करना है और ऑल दैट। अब इस सवाल ये है कि ये जो ट्रीटी है पाकिस्तान और इसके दरमियान, यूएस के दरमियान, इसका क्या क्या मतलब लुब लबाब है? हम यहाँ लिखेंगे ट्रीटी बिटवीन, ट्रीटी टैक्स ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान, ये जो पहले वाला है ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया, इसको दोबारा आप सेलेक्ट करें। इसमें हम पैराग्राफ 3 पे जाएंगे, पैराग्राफ 3 है और पैराग्राफ 3 का कौन सा जी पैराग्राफ, ये देखें आर्टिकल 3 है, पैराग्राफ 2 है, ये आर्टिकल 3 का पैराग्राफ ये है जी 2। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे ट्रांसलेशन खोल लेंगे, यहाँ पे आएंगे पेस्ट करेंगे। ये समझा जाता है कि महकमा ख़जाना इसको मज़ीद बनाने के लिए तैयार है। टेक्निकल वजाहतों की तकनीकी पहलुओं और इतलाक के सिलसिले में मतलूबा वजाहत मतलूबा मालूम हो सकती हैं। उर्दू ट्रांसलेशन खोल ली है लेकिन मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, घंटा समझ नहीं आई। मतलब ये इंग्लिश में भी अजाब ही था और उर्दू में भी कोई इतना समझ नहीं आया। ये आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, कोई सियाना बंदा ढूंढो, कोई एक ही बंदा वकील हायर करो, वीडियो बनाओ और हम सब की जो है ना बचत करवाओ। मुझे उर्दू में भी समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अपनी तरफ से बड़ा कारनामा किया। चलो एक दफ़ा आर्टिकल 8 का भी देख लेते हैं, ये भी चलो इधर आ जाओ। आर्टिकल 8 का जो पैराग्राफ 1 है ना, वो कह रहे हैं, ये देखे पैराग्राफ 1 बोलो जी। अच्छा पैराग्राफ 1 को हम कर लेते हैं, हो सकता है यही समझ आ जाए, उर्दू में ही आ जाए। इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। हाँ जी, ये एक है कि मालिक कॉर्पोरेशन इस तरह के मुनाफे की अदायगी करते हैं 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए। जहाँ एक मतलब उर्दू में भी कोई घंटा समझ नहीं आई। प्लीज़ कोई बंदा, एक जो जितने बड़े क्रिएटर हैं जो यूट्यूब के बारे में बताते हैं, कोई वकील पढ़ो, प्लीज एक वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि हमें कैसे ये ट्रीटी फॉर्म जो है ना वो फिल करना है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि ट्रीटी है, हमें चाहिए कि हम ये, मेरी कॉमन सेंस बता रही है कि हमें ये वही ये इसके रूप पे जाएंगे इस, तो शायद हमें इतनी ना टैक्स कटे। अभी 31 मई तक टाइम है, फ्री कोट होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तो 31 तक टाइम है। उम्मीद तो है कि शायद पाकिस्तान के ऊपर टैक्स ना लगे, तो अब आप प्लीज़ बनाएं, वीडियो बनाएं, सब मिले, अभी एक दूसरे को गाइड करें, कमेंट्स में बताएं। मज़ीद भी रिसर्च करूंगी और दोबारा भी वीडियो बनाऊंगी। ये अगर मुझे मज़ीद एक कन्फर्म पता चला ना कि हमें ये ही करना है, तो लाजमी वीडियो बना के उसको मैं अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।